It was looking at me. But I can also do the same. Okay, it's time for the face reveal finally. There you go. It's done now. No more comments from now on. You can't advertise it like this. Huh? You cannot advertise it like this. Whose baby is it next to you? It's a very cute one. आप haircut देख सकते हो मेरा. बहुत ही छोटे बाल काटे हैं इस बारी. How do you like my haircut? Not so good. ये एयरपोर्ट का फूड कोर्ट है जहाँ पे हमने थोड़ा सा इंडियन खाना खाया. वहाँ से इंडियन मिला है और ये इंडियन खाने में है. दो सब्जियाँ, चावल थोड़े से, आधी रोटी और दो चावल यहाँ पे. इसकी कॉस्ट पड़ी है हमें 40 स्विस फ्रैंक्स ऑलमोस्ट, जो होता है इंडियन रुपीज़ में 3,200 रुपये. इसे देख कर आपको पता लगता है कि ये कितनी महंगी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड. तो हमने यहाँ पर गाड़ी बुक करी है क्योंकि हमने प्लान किया है कि हम अलग अलग शहर में जाएंगे. पहले ज्यूरिख में, वहाँ से लुजैन जाएंगे, फिर वहाँ से इंटरलाकन जाएंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा आसान है, इसलिए हमने सोचा गाड़ी बुक करी. दिखने में बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, बट इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल, राइट? इट वॉज वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल्स दे हैड, द BMW फर्स्ट सीरीज. या बट स्टिल BMW. आई नो. Okay, but it's the wrong side though. This is my... Oh, thank you. Thank you. What a gentleman. Okay, green. This is beautiful. This is a famous bridge, I think. That's crazy. That there's a light for every parking spot. And then pick use. One. स्वागत है दोस्तों ज्यूरिख में. ये है ज्यूरिख का शहर. पीछे आप देख सकते हैं ये जो लेक देख रहे हैं, बहुत ही साफ पानी है इस लेक में. ब्लू ग्रीनिश कलर का पानी दिखता है और आप नीचे देखोगे तो अंदर आपको मछलियां दिखेंगी यहाँ पर. हमने सोचा कि क्या इस लेक में नहा सकते हैं. होटल वालों से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहा सकते हैं. उन्होंने कहा था वहाँ कहीं दूर जाकर एक बादिंग स्पॉट मिलेगा, तो अभी हम वहीं ढूंढने जा रहे हैं. ये चिड़ियाघर कॉर्नर है. कबूतर हैं यहाँ पर, स्वॉन्स हैं, डक्स हैं, एक और किस्म की बर्ड है यहाँ पर, और नॉर्मल हाउस होल्ड स्पैरो भी है यहाँ पे. पत्थरों को देखो कैसे बैलेंस कर रखा है यहाँ पर. they're doing it. Yeah. एक बड़ी चांस की बात है, किसी होटल का ऑफर चल रहा था, वो अपनी स्पीड बोट में फ्री में बिठा रहे थे, तो हमें फ्री में स्पीड बोट में राइड मिल गई. और यहाँ हम अब इस लेक के किनारे आ गए जहाँ पर लोग स्विमिंग करने लग रहे हैं. बहुत अच्छा मौका है. और गर्मी थी जब हमने चलना शुरू किया, लेकिन फिर थोड़ी बारिश होने लग गई. करीब 30-31 डिग्रीज था, तो अच्छा टेम्परेचर है स्विमिंग करने के लिए. लेकिन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पानी ज़्यादा ठंडा होगा कि सही नहीं होगा. लेकिन लोग अभी भी स्विमिंग करने लग रहे हैं जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर. पहले पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं कितना ठंडा है डुबकी मारने से पहले. इट्स नॉट दैट कोल्ड, राइट? नो.
तो यहाँ पर एक स्पॉट मिला है अच्छा सा नहाने का। तो आप लोगों को फिर से लाइव एक्सपीरियंस दिखाने के लिए मैं गोप्रो लेके पानी में कूदूंगा ताकि आप भी मेरे साथ कूद सको। चलो चलते हैं। यहाँ पर स्वान्स हैं किनारे पर, ये इंसानों से डरती नहीं ऐसा लगता है। स्वागत है मैन वर्सेस वाइल्ड के एक और एपिसोड में। आज हम मिलेंगे स्वान्स जो अपने आप को खुजली करने लग रही है। इन लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया तो पूरा झुंड ही लग गया यहाँ पर स्वान्स का। इन चिड़ियों ने मानो इस पत्थर को अपना अड्डा ही बना लिया। कितनी पोटी पड़ी है इनकी, देखो जरा यहाँ पर कोई इंसान क्या आ जाए यहाँ पर बैठने के लिए, बैठने का मौका ही ना मिले। एक चीज माननी पड़ेगी, पानी बहुत साफ है यहाँ पर। अंदर तक देख सकते हो आप कैसे ग्रीनिश ब्लूइश कलर का देखने लग रहा है। सो आई वाज सेइंग दैट सम ऑफ द स्टोन्स इनसाइड आर वेरी वेरी शार्प एज यू कैन सी। आई रियली कट माय सेल्फ फ्रॉम दिस ऑलरेडी ट्वाइस। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी मैं इतनी सारी बर्ड्स के, इतनी सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स के इतने करीब आया हूँ वाइल्ड में। जू में तो हम बहुत बार ही देखते हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स में भी देखते हैं, लेकिन ये तो मतलब एक शहर के अंदर नॉर्मल सी प्लेस है जहाँ पे कोई स्पेशल जगह नहीं है जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता हो। कमाल है। ये चीज़ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा दोस्तों, कभी भी आप ज्यूरिख आते हो तो यहाँ पर जो लेक है इसमें नहाना ज़रूर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी किनारा ढूंढ सकते हो नहाने के लिए, जा सकते हो। पानी भी ठंडा नहीं है और पानी इतना साफ है कि क्या बताऊँ। धूप निकल आई है तो पानी का कलर बड़े क्लियरली अब आप देख सकते हैं कितना ब्लूइश ग्रीन टर्कोइस कलर का है। हम सोच रहे थे कि आज थोड़ी दुकानों में जाएंगे, आसपास शहर घूमेंगे और चॉकलेट के लिए बहुत फेमस होता है स्विट्ज़रलैंड, थोड़ी चॉकलेट की दुकानों में जाके ट्राई करेंगे नई चॉकलेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक पब्लिक हॉलीडे है स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का कोई नेशनल हॉलीडे है, उसकी वजह से सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। वैसे फन फैक्ट, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर एक नई करेंसी है स्विस फ्रैंक्स एज कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पर यूरो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट हर दुकान में दुकानदार स्विस फ्रैंक्स और यूरोस दोनों एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास यूरोस हैं आपको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बाल कटवाने हैं दोस्तों, सिर्फ 49 यूरोस, 50 यूरोस में बाल कट जाएंगे। अच्छा रहा मैंने आने से पहले ही कटवा लिए थे। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पर अंधेरे में खाना खिलाया जाता है, डार्क डाइनिंग कहते हैं इसे। और इस रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं वो सब ब्लाइंड लोग होते हैं, वो हमें सर्व करेंगे और पूरा खाना फिर जो एक्सपीरियंस है अंधेरे में होगा, हमें दिखेगा नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए हम ट्राम का इस्तेमाल करेंगे। ट्राम ज़्यादा सस्ती पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाले वापस पार्किंग में पार्क करें, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। रेस्टोरेंट का नाम है ब्लिंडे कू, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी होगी, जर्मन में लिखा है ब्लाइंड काओ, यानी हमारी अंधी गौ माता। और अनफॉर्चुनेटली कैमरे का अंदर कोई काम नहीं होगा तो सब कुछ अंधेरे में ही होगा, तो लेट्स गो। आइए देखते हैं। क्या बताऊं दोस्तों, कितना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज कंप्लीट डार्कनेस, देयर इज नथिंग। या द थिंग इज टू बी लेट इनटू द रूम वेयर द टेबल्स आर, लाइक यू एंटर द रूम एंड इट्स कंप्लीटली डार्क एंड देन यू पुट योर हैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द वेट्रेस हु इज ब्लाइंड एंड शी लीड्स यू टू योर टेबल एंड जस्ट नेविगेट्स थ्रू ऑल द अदर टेबल्स विदाउट बंपिंग इनटू एनीथिंग। And that's crazy, but she's been doing that, I think, for 15 years. Yeah. And they don't really move the tables, so that's why it's possible. When you actually taste food,
you recognize food, you use all your different senses, right? Yeah. You use your nose. If you block your sense of smell, you cannot taste the food how it normally tastes. Yeah, but similarly, same a bit with the eyes. Same a bit with the eyes. You don't think it's true, but the first... Try it at home, actually. Try yeah. it. Like, be completely blindfolded and somebody yeah. gives you something that is very familiar. Yeah. And you know it's familiar, but you just don't know what it is. It's crazy. And even stuff like if you want to ask for more instead of... Normally you wave or raise your hand or make eye contact or whatever. That's not possible. So you literally had to call her by her name. Her name was Anya. So you're just like, Anya? Right? And when she came, you always... tended to look in her direction even though it made no difference, right? Yeah. कुछ घंटे आप एक blind person की तरह रह के देखो, आप बिल्कुल feel कर सकते हो कि उन्हें कैसा लगता होगा. ये मतलब आपकी आंखें बंद हैं, आंखें खुली हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं कि कोई difference नहीं दिख रहा है यहाँ पे. तो आपकी जो बाकी और senses होती हैं वो और strong बन जाती हैं. कान से ज्यादा सुनना शुरू कर देते हो आप. जो जीभ पे टेस्ट आ रहा है उससे ज्यादा और आइडेंटिफाई करने लग जाते हो. टच के सेंस को ज्यादा यूज करते हो. तो ये बाकी और सेंसेस को एक तरह से और जागरूक करता है. Oh my god. Oh my god, it feels like the wall is moving. Yeah. It really feels like the wall is moving and not us. Oh my god. It's very scary, this elevator. Yeah. Like cool in a way. Yeah. Wow. Just don't touch it otherwise. I wanna touch. इस elevator में कोई दरवाजा नहीं है. ये एक पीछे की elevator है. होटल की original elevator खराब हो गई थी. Oh, what? Just like that? मैंने एक बकेट लिस्ट बना रखी है कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ों की दुनिया में जो मुझे लगता है देखनी है या करनी है. और इनमें से एक आइटम था डार्क डाइनिंग. तो अब इसे फाइनली टिक ऑफ किया जा सकता है. आज जो पब्लिक हॉलिडे है ये एक्चुअली में स्विट्जरलैंड का फाउंडेशन डे है. बेसिकली इंडिपेंडेंस डे की तरह समझ लो. इसलिए बाहर इतने सारे पटाखे बज रहे हैं. ऑलमोस्ट दिवाली जैसा हॉल हो रहा है यहाँ पर. वैसे तो नॉर्मली हर साल सरकार एक मेन फायरवर्क ऑर्गेनाइज करती है, लोग अलग अलग नहीं बजाते. लेकिन इस साल सरकार के जो फायरवर्क्स हैं वो कैंसिल हो गए क्योंकि वो नहीं चाहते कि COVID-19 की वजह से कोई भी मीटिंग हो, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो. इसलिए अब जो पटाखे आप बजते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब लोगों के द्वारा बजाए जा रहे हैं.